पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। कथित टेंडर घोटाले को लेकर साहिबगंज, बरहेट और राजमहल समेत 18 जगहों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों का दावा है कि ईडी की इस कार्रवाई में उनके साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद रहे। ईडी की रेड पर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने सुबह से परेशान कर दिया, उनकी जानकारी ही आम जनता तक बता रहा हूं, पंकज भाग नहीं पाया। आखिर ईडी की जांच में उनके यहां छापेमारी चालू हो गई, बेचारा इंतजार भी कर रहा था। मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि भी है, कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी की टीम छापेमारी करेगी। इसके अलावा ग्राउंड माइनिंग और अन्य मामलों में भी ईडी की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी। इतना ही नहीं, ईडी की टीम ने इससे पहले साहिबगंज में जाकर अस्थायी रूप से कैंप भी किया था। बताया भी जाता है कि पंकज मिश्रा पर ईडी की कार्रवाई अवैध खनन को लेकर हो रही है। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जांच एजेंसी मिश्रा से पूछताछ कर सकती है। ईडी की जांच में पता चला है कि सीएम का करीबी मिश्रा अवैध खनन की निगरानी करता है और उसके ही इशारे पर झारखंड के स्टोन चिप्स और बांग्लादेश इसे पहुंचाया जाता है। बताया भी जाता है कि एजेंसी को विभिन्न स्रोतों से खनन में पंकज की संलिप्तता की जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज मिश्रा ने कहा था कि वो ईडी की जांच से डरने वाले नहीं हैं, वो तैयार बैठे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पंकज मिश्रा के अलावा 5 और व्यवसायियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई। इससे पहले मई महीने में झारखंड के खनन एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, उनके सीए सुमन कुमार सिंह सहित संबंधित लोगों के 5 राज्य बिहार, झारखंड, बंगाल, राजस्थान और एनसीआर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 19 करोड़ रुपए नकद सहित बड़े पैमाने पर अवैध निवेश के दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। और सरोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है जेएमएम के, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। ईडी की छापेमारी नेताओं के घर हो रखी है, इसे कैसे देखते हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि एन कैन प्रकार ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इसका दुरुपयोग करके, भयभीत करके जो है सरकार के विधायकों को खरीद के सरकार गिराने का इनका मंशा है। हाल के दिनों में जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र में भी वहाँ के सरकार गिरा के ये अपना सरकार बनाने के पहले इसी तरह ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, क्या वाकई सवाल इस बात को लेकर भी है जिस बात का जिक्र अभी सरोज जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि देखिए एन के एन प्रकार अपनी सरकार बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आनंद शंकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है क्या? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के संस्थापक रहे वहां और आज के बिल के मुख्यमंत्री, इन लोगों की बुनियाद करप्शन के बेस पे हुई और फरवरी की उसी से एसबीआई को ये कितना अनहोली नेक्सस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का इन लोगों ने भ्रष्टाचार की वहां से गंगा बढ़ा दी। गंगा तट के साथ में भ्रष्टाचार नहीं जोड़ता, ये बहुत ही अपवित्र गठबंधन और माँ गंगा जैसी पवित्र बात मैंने कह दी, मैं अपने शब्द वापस लेकर हूँ। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी पूजा सिंघल की बात कर दी। पूजा सिंघल कौन? पूजा सिंघल झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहुत करीबी अधिकारी है। पंकज मिश्रा कौन?
पंकज मिश्रा इनके विधायक प्रति तो इनके विधायक भरत का काम करें, इनकी अधिकारी भरत का काम करें इसको, और उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई भैया। आप चिंतन करिए, आप निरीक्षण करिए, झारखंड की जब जनजातीय बिरादरी ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया था कि झारखंड का समुचित विकास करें, लेकिन आप लोग का अपना ही विकास इतना अधूरा है, इतना ही पेट इतना खाली है कि आप लोग झारखंड को खोखला करने पर लगे। एक बात, दूसरी बात मैं आपको देना जी बता दू, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो पिंजरे का पोता भी है जो यूपीए के टाइम में हुआ करता था। ये बहुत ही निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी है, और ऐसा नहीं है कि आप सवेरे नीच खुलती है और ईडी के जो अधिकारी है वो कहीं रेट डाल में पहुंच जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही गहरा होमवर्क होता है, बहुत क्रिटिकल होमवर्क होता है, जिसके ऊपर कितना भ्रष्टाचार इसकी पूरी छानबीन होती है। वहां के लोकल इनपुट मिलते हैं, लोकल पुलिस अधिकारी बताते हैं, तब जाके ये पूरा का पूरा उसका एविडेंस के आधार पे अधिकारी छापा डालते हैं। तो ये सब बेतुकी बातें करना कि वहां ऑपरेशन लोटस चल रहा है और भाजपा सरकार इसके चलते चलेगी। भैया भाजपा ने तो झारखंड को बनाया था कि झारखंड विश्व में ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरोज जी, जिस बात का जिक्र भी आनंद जी कर रहे थे, देखिए पूजा सिंघल की बात करें, उनके पति अभिषेक झा की बात करें, उनके सीए सुमन कुमार सहित संबंधित लोगों के पांचों राज्य बिहार झारखंड बंगाल राजस्थान और एनसीआर स्थित जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की गई थी, और इस दौरान 19 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं, बड़े पैमाने पर अवैध निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आप कह रहे हो ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना चाहते हैं, सरकार हमारी गिराना चाहते हैं, सर ये 19 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? अगर ये बरामद हुए हैं तो इसका जवाब तो देना होगा ना कि कहां से बरामद हुए हैं, कैसे मिले जी? आज के तारीख में पूजा सिंघल का प्रोडक्ट नहीं है, पूजा सिंघल जो है वो तो रघुवर दास जी का प्रोडक्ट है, पूर्व की सरकार का। इसके पूर्व इन्होंने जो है खुशी में मनरेगा घोटाला किया, उस समय माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, और जो है रघुवर दास जी के सरकार में इन्होंने ही हाथी उड़ाने का चयनिंग किया था, इन्होंने ही जो है चंबल घोटाला में इनकी साजिश थी, इन्होंने ही फिल्म घोटाला का साजिश था, और उस समय सारी क्षमति जो है मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूजा सिंघल रघुवर सरकार में अपॉइंट की गई थी तो उन्होंने घोटाला किया या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो सरकार इससे कहीं ना कहीं पाक साफ है, सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सरकार क्लीन चीट दे दिया था पूजा सिंघल को। एक्चुअली जो सिंघल के यहाँ छापेमारी हुआ वो 2010-11 का मामला है, जब माननीय मुंडा जी की सरकार थी उसी में इन्होंने जो है मुंडेगा घोटाला किया, इसकी जांच चल रही थी ईडी के यहाँ, जो है उसी मुंडेगा घोटाला में जांच। ठीक है, ठीक है, तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं आनंद जी, कह रहे हैं कि हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये आईएएस अफसर है, उनके घर पे अगर ये पैसे मिले हैं तो उनसे पूछताछ करिए। ठीक है, सुन लेते हैं आनंद जी, जल्दी से बात रखिए। ठीक है सरोज जी, सुन लेते हैं सरोज जी। ठीक है, पूजा सिंघल को क्लीन क्या देखिए, जो संस्थापक है ना, जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय शिव सोरेन जी, और पेड़ी की पहली शुरुआत भारत में उन्होंने की थी, और जेल में शक्ति पीस रहे, आटा पीस रहे, जेल में जमानत के बाहर है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में डाला हुआ है? आप ही के जो पार्टनर है कांग्रेस, उन्हीं के टाइम से वो जेल में, तो उस टाइम कौन सी भाजपा की सरकार थी? कभी अपने लिए बात उठा के देखिए, झारखंड जैसे इनोसेंट स्टेट को वाजपेयी जी ने किस तरीका से अलग किया था कि वहां के लोगों को आप सारी सुविधाएं दें, और पूजा सिंघल की आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वहां से, तब पूजा सिंघल से कोई आरोप नहीं किया आप लोगों ने, तब तो आप बढ़िया कर रहे थे, आपको जाना चाहिए था ना, आवेदन देना चाहिए था, कोर्ट में केस करना चाहिए था, पूजा सिंघल पकड़ी जा रही है, अब आपके संगीता में आपके देश देश को भरपूर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रही है, उसका शेयर हेमंत सोरेन के पास आ रहा है, इसका पूरा प्रमाण ईडी के पास है, तो अभी ईडी आपको खबर लेगा, आप ईडी में रहते
ईडी को चार्जशीट कर दे ईडी के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी को चार्जशीट मिला दे, इससे आपकी समस्या हल नहीं होने वाली। अब आपके जो मुख्यमंत्री है जिनको बहुत पवित्र मन से झारखंड की जनता ने चुना था और एक अनहोनी नेतृत्व चुनाव के लिए सत्ता का सुख भोग रहे थे, गए राष्ट्रपति और ईडी आप एक बार काम को भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो ईडी और सीबीआई को अपने कब्जे में नहीं रखती, ये स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचारियों पर आक्रमण करती है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए ईडी से कहा ये लोग कहिए वहां पर छापेमारी वहां पर ये पूरा का पूरा उसके पास एडेंस सकता है और उसके लिहाज से ईडी काम करती है। ठीक है, आप लोग आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो तो अपने तरीके से काम करती है, ईडी सीबीआई अपने तरीके से काम करती है, जब दूसरी सरकारें केंद्र में होती है तो वो अपने तरीके से काम करती है, ये तो स्वतंत्र संस्था है, फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि ये तो जी सरकार के इशारों पर काम करती है। और दूसरी बात ये कि गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों ने सुबह से ही परेशान कर दिया, उनकी जानकारी ही आम जनता तक बता रहा हूं, पंकज भाग नहीं पाया। ये क्या बताता है, उन्होंने ऐसा कहा है कि पंकज भाग नहीं पाया, ये ट्वीट किया उन्होंने। ये निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा से भाजपा सांसद है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग के ये जो है प्रवक्ता है, कोई भी ईडी का छापा हो, चुनाव आयोग का छापा पड़े या जो है सीबीआई का छापा पड़े, इनको पूर्व में कैसे मालूम हो जाता है। जबकि एक भारत सरकार की एक जो है ये तंत्र है, इसमें किसी भी सांसद विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अभी हाल के दिनों में देखा होगा कि सांसद महोदय जो है यहाँ करीब सैकड़ों एकड़ जमीन का जो है अवैध तरीका से रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराए, जिस पर इन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई, इन पर कार्यवाही चल रही है। अभी भी वर्तमान में ये मान्य उच्चतम न्यायालय के यहाँ मामला पेंडिंग है, इनके पत्नी ने भी अवैध जमीन का कारोबार किया। ठीक है सर, लेकिन अगर सवाल इस बात को लेकर है कि जिन जिन पर आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल पाक साफ है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए, फिर जांच में दिक्कत क्यों आ रही है, आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अभी जिस तरह से जेएमएम ने प्रदर्शन किया बीजेपी मुख्यालय के सामने और ये कहा कि आदिवासी सीएम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि टेंडर घोटाला आप लोगों ने किया है, अगर आप पाक साफ है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी आपको डरा रही है, ईडी आपके घर पर हमला बोल रही है, होने दीजिए ना जांच, अगर आपने नहीं किया है तो कुछ घोटाला। बिल्कुल हम लोग तो जांच होने दे रहे हैं, लेकिन विकास को जो झारखंड के अंतिम पायदान के लोग थे जिनका की भारतीय जनता पार्टी ने शोषण किया, उनका अब विकास हो रहा है, उनको सोना सोवरन धोती सारी योजना दिया जा रहा है, इन्होंने 15 लाख राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गरीबों को, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, इन्होंने जो है ये ठीक है, ये ठीक है, आप विकास कर रहे हैं सर, सरकार आपकी, आप विकास करेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप काम करेंगे सर जनता के लिए। लेकिन ये जो जेएमएम ने बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि जेएमएम के सीएम को बदनाम, यानी कि एक आदिवासी सीएम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बिल्कुल शुरू से इनकी मंशा रही हुई है। अभी हाल के दिनों में देखा होगा जब ये सरकार में थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा में ये सरकार थे, मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, इनके लिए मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिन पर इन पर एंट्रोसिटी भी लगाया गया, बाद में जो है मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया। और अगर इनकी साजिश नहीं है तो ये एक सांसद जो है ईडी सीबीआई चुनाव आयोग के प्रवक्ता कैसे बन जाते हैं, इनको पहले कैसे मालूम हो जाता है कि फलाना जगह सीबीआई का, सांसदों विधायकों को कैसे मालूम हो जाता है कि कहाँ पे ईडी का छापा पड़ने वाला है, कहाँ पे पड़ रहा है, कौन भाग पाया नहीं, कौन किसको गिरफ्तार किया, किसको किस नहीं गिरफ्तार किया गया, सब जानकारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको सब जानकारी होती है और साजिशन ये लोग जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। महाराष्ट्र में भी इसी तरह सरकार के आने से पहले इन लोगों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया है।
बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखिए और बात कीजिएगा इनकी सरकार के भ्रष्टाचार का, तो जांच जारी है। इनके पांच पांच मंत्री जो है घोटाला में जेल जा रहे हैं, जो हजारों हजार करोड़ का घोटाला किए हैं। ठीक है ठीक। इनके जो है पूर्व मुख्यमंत्री हाथी उड़ा के दस हजार करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने 2500 करोड़ का नहर बनाया जिसको चूहा काट दिया। कुल मिला के ये खुद जो है आपदा में आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं, और इन लोग जो है साजिशन यहाँ की सरकार को गिराना चाहते हैं। हाल के दिनों में इन लोगों का बयान था कि पहले राजस्थान की सरकार गिरेगी। सर बोले दीजिए, आनंद जी को बोले दीजिए, फिर लौट के आपके पास। ठीक है। और इन्होंने अक्षरा ईडी और सीबीआई का सुन पा रहे हैं मुझे, मेरी आवाज मिल रही है? तो महाराष्ट्र में गिरा दिया। सरोज जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है सुनिए, आप थोड़ा सा आनंद जी को भी सुनिए। ये जो प्रवक्ता महोदय है उनको बुनियादी जानकारी नहीं है कि ईडी के जो छापे होते हैं या सीबीआई के जो छापे होते हैं ये किसी को भी कानो कान नहीं पता होता है। लेकिन क्योंकि ये लोग भ्रष्ट है, इनको भ्रष्टाचार में लिप्तता की पुरानी आदत है, इनको पता होता ही कि छापे पड़ने पर वो लोग शुरू कर देते हैं। ये जो लास्ट कार्ड खेल रहे हैं ना, ये लोग आदिवासी का भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का सिर्फ नारा नहीं देती है, इसको चरितार्थ करती है हकीकत में। आप देखिए देश के सर्वोच्च पद पर हम किसको बिठाने जा रहे हैं, माननीय महामहिम जो होने जा रही है द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी में। तो ये राज अलापने से और आदिवासी लोगों की भावनाओं से खेल के कुर्सी हथियाने से दिन लग गए। अब चाहे जितना मर्जी हेमंत सोरेन की रूना रो, आदिवासी मूल के सारे लोग आई रहने वाले जान करके समझ गए हैं कि मंशा क्या, इनकी मंशा है वहां पे ए टू जेड हर विभाग को भ्रष्टाचार, चाहे वो कोई विधायक हो या मंत्री हो, सबसे फाइल नहीं नहीं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, पहले ईडी के छापे लगे, ईडी के छापे पड़े, उसके बाद सरकार गिर गई। अब से पहले आप ही के पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं देखिए तो महाराष्ट्र में हमने कमल खिलाया, उसके बाद झारखंड राजस्थान की भी बारी है। तो क्या हम ये कहें कि झारखंड पहुंच गई ईडी, अब उसके बाद यहाँ कमल खिलाने की तैयारी है? मैं बता रहा हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये उत्साह तो मेरे मन में रहेगा कि भारत के एक और राज्य में मेरी सरकार है। अब आप बताइए आपके एक प्रबुद्ध सेंटर है वहां पर हमारी क्या भूमिका थी? शिवसेना के खुद के लोग भागी हो अलग जाते हैं, उनके खुद के दो तिहाई से ज्यादा लोग और वहां के निर्दलीय लोग मिली शिवसेना की सरकार से अपना अलग होते हैं। हमारे पास आते हैं हम वहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में हम एक स्वेच्छा चाहते हैं, हमने अपना समर्थन दिया, इसमें हम माइंडेट भी तो हमें ही दिया था ना महाराष्ट्र में, लेकिन हमारे सीट में खंजर बोता गया, हमने नहीं किसी से कुछ कहा ना, हम सरकार गिराने गए। लेकिन शिवसेना के खुद के लोग टूट के आते हैं कहते हैं कि साहब हम सरकार बनाना चाहते हैं, अगर हमारे मन में लाल साहब मुख्यमंत्री नहीं, नहीं ये हम नहीं कह रहे ना सर, ये तो आपके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसलिए ही सवाल उठते हैं। मैं आपको फिर कोट करके कह रही हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो आपकी पार्टी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये तो महाराष्ट्र में हमने कमल खिलाया है, उसके बाद झारखंड और राजस्थान की बारी है, उसके बाद हम पश्चिम बंगाल भी आएंगे। इस तरह आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह की बात उठा रही हूँ। तो महाराष्ट्र में तो चुनाव से पहले आपने बना लिया, उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी राज्यों का भी नाम लिया। यही आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की जनता ने कमल खिला के दिया, लेकिन हमारे साथ सुंदर होता हम निश्चित हो गए, हम विपक्ष में थे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनके खुद के पार्टी में टूट गई और वो लोग वहां से अलग हुए, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा और हमने समर्थन दिया। ठीक है सरोज जी, सरोज जी, सरोज जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि देखिए तरीके से हम कहीं ना कहीं चुनावों में आएंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे। और दूसरी बात पंकज मिश्रा की अगर हम बात करें, वो पहले ही कह चुके हैं कि देखिए ईडी का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, कभी भी ईडी आएगी और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर अब किस चीज की घबराहट?
किसी भारतीय जनता पार्टी की दूरी में जमीन आसमान का फर्क है, जनता की दूरी नहीं होती है। कुल मिला के कहना यह है कि रघुवर दास पर ईडी का जांच क्यों नहीं हो रहा है, इनके पांच पांच मंत्रियों पर ऐसी भी जांच हो रहा है, इनके पूर्व के मुख्यमंत्री पर ऐसी भी जांच हो रहा है, इनको जरा सा भी आज याद नहीं है, इनको सत्ता से किसी बर्दाश्त नहीं है, इन्होंने मध्य प्रदेश में किस तरह सरकार गिराया आपने देखा होगा, सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं है, और ये जो है एन टेन प्रकार सत्ता पर काबिज होकर लोकतंत्र को कायम करना चाह रहे हैं। आप देखेंगे जब केंद्र में इनकी सरकार चली जाएगी उसके बाद ठीक है सर, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं, और ये भी कोई नई बात नहीं है कि ठीक है सर, ठीक है ये भी कोई नई बात नहीं है कि ईडी के छापे ज्यादातर वहाँ लग रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.